मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बेटी अनंत अंबानी ने 12 जुलाई को अपनी बचपन की दोस्त राधिका मर्चेंट के साथ शादी कर ली है। इस ग्रैंड वेडिंग में दुनिया की तमाम हस्तियों ने शिरकत की थी। बीते शुक्रवार को ही इस शादी में पहुंचे अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, संजय दत्त, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर सहित तमाम सितारों की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो वही अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में सलमान खान अपनी बहन अर्पिता खान के साथ पहुंचे थे, जहां दोनों ने एक साथ पोज दिए थे। ऐसे में ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ नजर आई थी। इसी बीच इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो लोगों का ध्यान खींच रही है। दरअसल इस तस्वीर में सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन साथ में पोज देते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में सलमान खान अपनी बहन अर्पिता खान के साथ खड़े हैं, तो वही ऐश्वर्या राय बच्चन एक्टर के हाथ में हाथ डाल पैप्स के आगे पोज करती नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीर फेक है। जी, AI की मदद से दो तस्वीरों को मिलाकर एक तस्वीर बनाई गई है। बता दें कि सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन कई सालों पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला था और दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। तो वही अब सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन साथ में नजर नहीं आते। बताया जाता है कि सलमान खान का गुस्सा और ऐश्वर्या के लिए उनका पॉजेसिव नेचर दोनों के ब्रेकअप की वजह बना था। ऐसे में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से वायरल हुई दोनों की फोटो को देखकर लोग हैरान रह गए। कई महीनों से ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के अलग होने की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में हाल ही में हुई अंबानी की ग्रैंड वेडिंग में अमिताभ बच्चन, अभिषेक और अपनी पूरी फैमिली संग पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन नजर नहीं आई। फिर ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ पहुंची, उनसे अलग पहुंची। ऐश्वर्या का इस तरह बच्चन फैमिली से अलग आना दोनों के डिवोर्स की अफवाहों को और बढ़ा रहा है। ऐसे में अब इंटरनेट पर कई फैंस ये कह रहे हैं कि ऐश्वर्या के अभिषेक की जगह सलमान खान से शादी करनी चाहिए थी। इसी को लेकर लोग दोनों की AI तस्वीर बनाकर शेयर कर रहे हैं। लेकिन शायद फैंस का ये सपना कभी सच नहीं होगा, क्योंकि ऐश्वर्या और सलमान एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। अक्सर ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि दो एक्ट्रेसेस के बीच राइवलरी है। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण और डीवा कटरीना कैफ के बीच देखने को मिला है। अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो दोनों के बीच काफी लंबे समय से बातचीत बंद थी, जिसका कारण रणबीर कपूर के साथ दोनों का रिलेशनशिप था। हालांकि गुजरात के जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की पहली प्री वेडिंग सेरेमनी के दौरान दोनों एक्ट्रेसेस एक साथ पोज देती नजर आई थी, जिससे ऐसा लगा कि उन्होंने सभी बीती बातों को भुला दिया है। लेकिन अब हाल ही मुंबई में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की कुछ तस्वीरों में दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ एक दूसरे को इग्नोर करती दिखी। इन तस्वीरों में दीपिका किसी से बात करती और मुस्कुराती नजर आ रही हैं। उसी तस्वीर में कटरीना अपने पति विक्की कौशल का हाथ थामे हुए फ्रेम से बाहर किसी चीज की ओर देख रही थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब खड़े थे, लेकिन तब भी दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात नहीं की। इस इवेंट के लिए दीपिका ने एक खूबसूरत सूट पहना था, जिसमें वो किसी रॉयल प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। दूसरी ओर कटरीना गोल्डन मेटाफर्स और खूबसूरत डिजाइनर बॉर्डर वाली लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी को मैचिंग रंग के फुल स्लीव हाई नेक ब्लाउज, डबल लेयर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ पेयर किया था। इस लुक में एक्ट्रेस बेहद सुंदर लग रही थी। बता दें कि इससे पहले गुजरात के जामनगर में हुए अनंत और राधिका के प्री वेडिंग बैश के दूसरे दिन कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण की एक साथ पोज देते हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में दोनों अपने अपने पतियों विक्की कौशल और रणवीर सिंह के साथ कैंडिड मोमेंट शेयर करते नजर आए थे। वहीं इससे पहले एक इंटरव्यू में कटरीना कैफ ने अपने प्रोफेशनल फ्रंट से लेकर पर्सनल लाइफ तक की एक घटना के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि वो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म बचना आए हसीनों का हिस्सा बनने वाली थी। उन्होंने बताया कि वो चौथी लड़की का रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन इस कैरेक्टर को फाइनल स्क्रिप्ट से पूरी तरह से हटा दिया गया, जिसका कारण उनका रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। वहीं अब दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के बीच बातचीत न होने की खबर में कितनी सच्चाई है ये तो वही जानती है। अमीषा पटेल ने अपने करियर की शुरुआत साल 2000 में ऋतिक रोशन संग कहो ना प्यार है से की थी।
उनकी पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद वो काफी फेमस हो गई और उसी साल उनकी सनी देओल के साथ गदर भी रिलीज हुई। अमीषा की दूसरी फिल्म ने भी जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म की रिलीज के साथ ही उनका करियर भी ऊंचाई पर पहुंच गया था, जिसके बाद अमीषा को फिल्म ये जिंदगी का सफर मिला। वहीं अब इसी फिल्म को लेकर इमरान हाशमी ने एक बड़ा खुलासा किया है। इमरान हाशमी ने बताया कि इस फिल्म में अमीषा के साथ वो डेब्यू करने वाले थे, लेकिन अमीषा ने उनके साथ फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। इमरान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए बताया कि अमीषा को लगता था कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं है, इमरान इस रोल को ठीक से नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, अमीषा को लगा कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने उस वक्त एक हिट फिल्म दी थी, इसलिए वो परेशान थी। वो चाहती थी कि वो हीरो के लिए कास्टिंग सही हो। वो चाहती थी कि इस रोल के लिए एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर को लिया जाए। फिर वो भट्ट साहब के पास गई और कहा कि मुझे नहीं लगता कि इमरान इस रोल के लिए सही फिट है। मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं उनसे बहुत नाराज था। वहीं अब जब मैं देखता हूं पीछे तो मुझे लगता है कि अमीषा अपने हिसाब से सही थी। इसी इंटरव्यू में इमरान हाशमी ने यह भी खुलासा किया कि वो गुस्से में अमीषा से बदला लेने के लिए सेट पर भी गए थे। उन्होंने कहा, मैं फिल्म के सेट पर जाता था और उनकी शूटिंग देखता था, मैं उन्हें घूरता भी था। मैंने भट्ट साहब से भी कहा कि मुझे एक मौका दे दीजिए, ऐसा नहीं था कि मैं असल में एक्टिंग नहीं कर सकता, ये बस अमीषा को ही गलत लगता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। मैं उस समय फ्री था, इसलिए मैं फिल्म के सेट पर चला जाता था क्योंकि मैं फिल्म से जुड़ा रहना चाहता था। मैं रोज सेट पर जाता था, हालांकि मैं फिल्म में नहीं था, मैं बस शूटिंग देखने जाता था। फिर मैंने विशेष फिल्म के साथ अपनी पहली फिल्म फुटपाथ साइन कर ली। इसके बाद ये जिंदगी का सफर में अमीषा पटेल, जिमी शेरगिल नजर आए थे। पॉपुलर अमेरिकन टीवी पर्सनालिटी किम कार्डेशियन अपनी बहन क्लोई कार्डेशियन के साथ अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी और उनके शुभ आशीर्वाद सेरेमनी का हिस्सा बनी। किम कार्डेशियन ने देसी कपड़े पहने और लहंगे में अपनी खूबसूरती से महफिल में चार चांद लगा दिए। हर तरफ किम की चर्चा हो रही है, लेकिन इसी बीच उनकी ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ एक सेल्फी ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। ऐश्वर्या और किम कार्डेशियन के अब तक कई वीडियोस सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, लेकिन अब उनकी सेल्फी ने तहलका मचा दिया है। किम कार्डेशियन अनंत और राधिका की शादी के बाद उनकी शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में शामिल हुई। नथर्टी का पहने किम कार्डेशियन एक पेस्टल लाइट पिंक कलर के लहंगे में बेहद खूबसूरत नजर आई, लेकिन उन्हें मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी फेल कर दिया। तभी तो किम कार्डेशियन उन्हें अब भी क्वीन मानती है। किम कार्डेशियन ने जब अनंत और राधिका के फंक्शन में ऐश्वर्या से मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो ऐश्वर्या की खूबसूरती पर मरमिटी। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐश्वर्या के साथ सेल्फी शेयर की और लिखा, क्वीन, आपको जानकर हैरानी होगी कि किम कार्डेशियन उम्र में ऐश्वर्या राय से 7 साल छोटी है। जहाँ किम कार्डेशियन 43 साल की है, वही ऐश्वर्या की उम्र अभी 50 साल है। ऐश्वर्या और किम कार्डेशियन की इस तस्वीर पर फैंस खूब प्यार बरसा रहे हैं और क्रेजी हुए जा रहे हैं। बता दें कि किम कार्डेशियन 12 जुलाई को अपनी बहन क्लोई कार्डेशियन के साथ इंडिया आई थी। दोनों बहनों ने अनंत और राधिका की शादी और बाकी फंक्शंस इंडियन आउटफिट्स में अटेंड किए। वहीं ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ अनंत और राधिका की शादी और शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में शामिल हुई थी। वो ना तो बच्चन परिवार के साथ दिखी थी और ना ही उनके साथ एंट्री की थी। शुभ आशीर्वाद सेरेमनी में भी अमिताभ बच्चन नातिन और दामाद के साथ पहुंचे थे, जबकि ऐश्वर्या फिर से आराध्या के साथ थी। इससे ऐश्वर्या और अभिषेक की तलाक की खबरें आने लगी हैं और फैंस एक्ट्रेस के अकेले शामिल होने पर सवाल उठाने लगे हैं। टीवी एक्ट्रेस हीना खान इन दिनों कैंसर से जंग लड़ रही है। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार के साथ साथ उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल भी उनका ख्याल रख रहे हैं। हीना ने कुछ वक्त पहले ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बात की जानकारी दी थी कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और उनका इलाज चल रहा है। हीना खान लगातार अपने फैंस को पोस्ट और तस्वीरों के जरिए अपनी हालत के बारे में भी जानकारी देती रहती हैं। तो वहीं अब उनके बॉयफ्रेंड ने उनके लिए उनका पसंदीदा खाना बनाया है। रॉकी जायसवाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हीना खान के बॉयफ्रेंड ने लिखा,
जब वो मुस्कुराती है, लाइट और चमक उठती है। जब वो खुश होती है तो लाइफ में सास आ जाती है। जब वो मेरे साथ होती है तो मैं बहुत ज्यादा ही जी जाता हूँ। जब मैं उसके साथ होता हूँ कुछ और मायने नहीं रखता। अपने इस प्यारे कैप्शन में ही रॉकी ने बता दिया कि उन्होंने वीकेंड पर हीना खान के लिए उनका फेवरेट खाना बनाया था। बता दी हीना खान कैंसर की तीसरी स्टेज पर है। कीमोथेरेपी के चलते हीना खान ने कुछ दिनों पहले अपने बाल कटवा दिए थे, जिसका एक वीडियो भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। जब हीना खान बाल कटवा रही थी तो उनकी माँ बेहद इमोशनल नजर आई। वही वीडियो में हीना लगातार अपनी माँ को हिम्मत देती नजर आ रही थी। हीना और रॉकी के रिलेशनशिप की बात करें तो दोनों के ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर मिले थे। उस दौरान रॉकी शो के सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे और हीना शो की मेन लीड। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों पिछले 11 सालों से रिलेशनशिप में है। वहीं अब हीना की बीमारी के बाद रॉकी संग उनका रिश्ता चल पाएगा कि नहीं, इस बारे में नेटिजेंस काफी सवाल उठा रहे हैं। उनके इन्हीं सवालों पर रिएक्ट करते हुए रॉकी ने कुछ दिनों पहले ही कह दिया था कि उनका और हीना का रिश्ता कमजोर नहीं है, इसलिए वो तब तक इंतजार करेंगे जब तक हीना पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है। रॉकी का कहना है कि वो दोनों साथ थे और साथ ही रहेंगे। रॉकी के इस जवाब की लोगों ने खूब तारीफ की थी।